18 कहाँ, 4 का 11 नंबर। एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 144 पाई घन सेंटीमीटर होने से उसके व्यास की लंबाई कितनी। व्यास मतलब समझ लीजिए, अर्धव्यास नहीं बोला, व्यास बोला है। तो अर्धगोला का आयतन, आप आयतन का सूत्र बराबर इतना लिख दीजिएगा और आर का मान निकल जाएगा, तो 2R का मान निकाल देना है। चलिए देख लेते हैं। याद रखिएगा भैया कि ये जो है ना अर्धगोलक आर, आर अर्धव्यास, और आपको व्यास पूछा है यानी कि 2R का मान पूछा है यहाँ से यहाँ तक का। चलिए आयतन बराबर दिया हुआ था 144 पाई, अब मान आयतन का जो सूत्र बिठा देते हैं हम लोग, तो आयतन क्या आता है आपका 2πr³/3। अर्धव्यास का अर्धगोलक का आयतन है वाला बराबर 144 पाई। अब सरल कर लें, चलिए हम पाई पाई को हटा दिए, 2 से इसको भी हटा देते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 4, 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो r³ = 3 × 6 = 21। तो r बराबर कितना होगा, 6 होगा। अब अगर आपको ये याद नहीं है r का, तो इसको याद रखिए, 1 से कम आपको 6, 7, 8, 9 तक याद रखना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 279। अब मैं कैसे याद रख रहा हूँ, देखिए भैया 9 है ना, तो 7 × 2 = 9, ऐसे 8 का क्यूब तो 5 × 1 = 6, 6 × 2 = 8, 8 आ गया। 7 का क्यूब 4 × 3 = 7, 4 × 3 = 7, 6 का क्यूब 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इस तरह से पक्का कर रखा हूँ, 5 तक याद ही हो जाता है। खैर आप इसको याद रखिए, क्यों देखिए r³ = 16 है, तो अगर आप ऐसे समझिए, इसको क्यूब है, इसको भी क्यूब बदलना था, 6 का क्यूब होगा, क्यों 6 का क्यूब 216 हो रहा है, 6 का क्यूब 216, अब क्यूब हट जाए तो r बराबर 6 हो गया। क्योंकि निकालना है आपको 2R का मान, इसलिए व्यास बराबर 6 × 12, सीधा 12 लिख दे रहे हैं, 12 हो गया। अब रहा कि सेंटीमीटर क्या है, तो उसको देख लेते हैं, ये आपका क्या पूछा है, इकाई अपना देख लेंगे, ये आपका 14 का 18, 4 का 10 नंबर। चार का ग्यारह नंबर है, 18 में 4 का 11 यहाँ पर है, घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर, तो आंसर 12 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपना। पूरा हो गया, धन्यवाद।